फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, सेल्फ कंटेन ऑफ इंग्लिश रीडर. ओके, सेल्फ कंटेन का मतलब होता है स्वयं में निहित, खुद के ऊपर ही निहित रहना, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना. ठीक है, ओके. नाउ आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स. जो हमारे पोइट हैं वॉल्ट व्हाइटमैन, वो हमें इस पोयम में बता रहे हैं कि एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है, जानवरों में और इंसानों में क्या अंतर है. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद द एनिमल्स. वो कहते हैं कि काश मैं बदल जाऊं और मैं जानवरों के साथ रहूं, यानी कि वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं. वो ऐसा क्यों चाहते हैं, वो इसके बारे में फिर हमें बताते हैं. दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट, और अपने आप में रहने वाले, स्वयं में निहित रहने वाले, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहने वाले होते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा होता हूँ और उनको देखता हूँ. एंड लॉन्ग बहुत देर तक, बहुत बहुत देर तक मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहता हूँ. ये पॉइंट हमारे कह रहे हैं. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर ऑन कंडीशन, वो अपेचैन नहीं होते हैं और कोई शिकायत नहीं करते हैं. स्वेट का मतलब पसीना भी होता है, पर यहाँ बेचैन है. और वाइन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत करना. ठीक है, वो अपनी किसी भी कंडीशन की शिकायत किसी से नहीं करते हैं और ना ही वो बेचैन होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं. ठीक है, दे डू नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोलते हैं. अवेक इन द डार्क, मतलब वो झूठा जीवन, निराशा से भरा हुआ जीवन नहीं जीते हैं जो जानवर हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, ठीक है, कि वो अंधकार में रहना पसंद नहीं करते हैं और ना ही कोई झूठ वगैरह बोलते हैं. एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अब ना ही अपने पापों के लिए वो रोते हैं. सिंस का मतलब यहाँ पाप होता है, वीप का मीन्स होता है रोना. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ना ही भी वो आपस में ऐसी बातें करते हैं कि उनका भगवान के लिए क्या कर्तव्य है, ऐसा कहकर वो मुझे कोई कुछ भी व्याकुल नहीं करते हैं और ना ही वो व्याकुल होते हैं. मतलब जानवर आपस में इस तरीके से कोई बात नहीं करते हैं, ना वो रोते हैं, ना वो हंसते हैं, ना ही वो अंधकार से भरा जीवन जीते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं. तो ये जो पॉइंट है, इसलिए जानवर की तरह रहना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, मतलब कोई भी एनिमल जो है वो असंतुष्ट नहीं है. उन्हें जो भी ज़िंदगी मिली है उसमें वो सेटिस्फाई हैं. नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, और ना ही वो क्रेजी हैं, पागल हैं, डिमेंटेड हैं किसी भी चीज़ को लेकर. यानी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है अलग से जिसके लिए वो बहुत क्रेजी हो, उनमें सनक हो कि हमें ये चीज़ें करनी ही है. ठीक है, नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी का आज्ञाकारी कोई नहीं है वहाँ. नॉट टू हिज काइंड, ना ही वो किसी अपने तरीके के हैं कि उनके जैसे जो जानवर हैं उन पर डिपेंड हो. दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, और वो हज़ारों वर्षों से ही ऐसा चला आ रहा है, हज़ारों वर्षों से ही जो जानवर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, अपना काम वो खुद ही करते हैं. ठीक है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ को करने की सनक है उनमें. ये चीज़ जो है हमें इस पोइट ने इस पोयम में समझाई है. नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी, कोई भी वहाँ आदरणीय भी नहीं है, मतलब जो जानवर हैं वो आदरणीय भी नहीं है और ना ही वो नाखुश हैं. ओवर द होल अर्थ, यानी पूरी धरती पर, अर्थ का मतलब है हमारी पृथ्वी, होल का मतलब है पूरी. ठीक है, और अनहैप्पी का मतलब है ना खुश होना, कि कोई भी जो जानवर है वो खुश ऐसा नहीं है, कोई भी जानवर जो हो वो दुखी हो, कोई भी जानवर जो है वो दुखी नहीं है, अनहैप्पी परेशान नहीं है पूरी धरती पर. यानी सारे जानवर खुश हैं, जैसा वो रह रहे हैं उसी में ही वो खुश हैं, खुद पर डिपेंड हैं, किसी और पर भी डिपेंड नहीं है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वॉल्ट व्हाइटमैन, उन्होंने हमें इस पोयम में ये बताया है. ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल और मैसेज मी इन द इवनिंग. ओके, थैंक यू.